वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु फतेह। दोस्तों हम अभी जलियांवाला बाग के अंदर है, ये वही स्थान है जहाँ 1947 के अंदर जब युद्ध हुआ था तब यहाँ कई क्रांतिकारी लोग शहीद हो गए थे, उनका स्मारक बना हुआ है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए आप, और ये यहाँ की पूरा विवरण, ये देखिए यहाँ का विवरण, हिंदुस्तानी देशभक्त भूपेश सिंह जी, आप ब्रिटिश सरकार जनरल डायर ने गोली चलाकर नियुक्त लोगों को किया था जलियांवाला बाग संचार पर। ये पूरा विवरण दे रखा है, आप लोग देखिए, ये लेख इंग्लिश में दे रखा है, नोटिस जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951, जब देश आजाद होता जब उस दिन क्रांतिकारी लोग शहीद हुए थे। आप लोगों एक ही चीज मैं बताऊंगा, ये ज्योतिर्लिंग देश के जो शहीद हुए उनकी याद में ये ज्योतिर्लिंग बनाया गया, ज्योति दर्शन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए सैकड़ों निरीह लोगों को हमारी श्रद्धांजलि। इस जलियांवाला बाग के अंदर करीबन लाखों लोग देखने आते हैं उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने देश के वो जवान करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरा हरियाली के अंदर ये बसा हुआ है, सब उन शहीदों को नमन करने के लिए आए हुए हैं। ये देर का ब्लड मार्स गोलियों की उस दीवार पर गोलियों की 28 होना चाहिए जो डॉट लगा रखे हैं, गोलियाँ लगी हुई, हाँ 28 जगह लगी हुई है, 28 जगह लगी हुई है। बताते जिस टाइम जब क्रांति हुई थी उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से 28 गोलियाँ लगी थी, वो इस पर निशान आज तक है, देखिए आप लोग, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 इस मीनार पर करीबन 28 गोलियां दागी गई थी, आप लोग देखिए ब्लड मार्क्स। इस जगह 1650 राउंड तैयार किए गए थे, देखिए आप लोग, ये निशान दे रहे हैं वो देखिए आप लोग, बस इतना ही है। आप लोग देख सकते हैं जलियांवाला बाग, एक ही चीज़ मैंने आपको बता दी गई है, और हरियाली चारों तरफ लोग पर्यटक घूमने आते हैं, इतना ही है मजबूरी चलता है।